दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमरेश है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो मैं बिहार से हूँ, पर मैं पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ यानी आज के ज़माने की दिल्ली में रहता हूँ। अगर प्रोफेशन की बात करें तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट और एक फिल्म मेकर हूँ। मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी जगह ले जाऊँ जो मेरे दिल के बहुत करीब। तो मैं चल पड़ा हनुमान जी के पास। जी हाँ, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ दिल्ली के कन्नाट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसे पांडवों ने बनवाया था। इस मंदिर को सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था। पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिर बनवाए थे, जिसमें से ये एक है। फिर बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा मानसिंह और जयसिंह सेकंड ने किया। आमतौर पर किसी भी मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, पर यहाँ पर हनुमान जी स्वयंभू हैं, यानी कि जमीन से खुद प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही फेमस भक्तिकालीन संत तुलसीदास जी दिल्ली यात्रा के दौरान इस मंदिर में भी दर्शन किए थे, तभी उन्होंने इसी जगह हनुमान चालीसा की रचना की थी। उस वक्त दिल्ली में मुगलों का शासन था और राजा थे अकबर। तो राजा अकबर ने तुलसीदास से चमत्कार दिखाने को कहा। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कैसे चमत्कार दिखा सकता हूँ, चमत्कार तो प्रभु दिखाते हैं। इससे अकबर क्रोधित हो गया और कहा, जब तक तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर अगले कुछ ही दिनों में पूरे शहर में इतने बंदर आ गए कि अकबर की सेना भी उसे नहीं संभाल पाई। और फिर अकबर ने तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और प्रसन्न होकर इस मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा सहित किरीट कलश गिफ्ट किया। ये मंदिर हनुमान जी के बाल रूप को समर्पित है। मंदिर में हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं, मतलब हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हैं और उनकी एक आंख ही दिखाई देती है। इस मंदिर में एंट्री करते ही जो ऊपर वॉल दिखाई देता है उसके चारों ओर पत्थर में सुंदरकांड लिखा गया है और उसके ऊपर हनुमान जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएँ पेंट की गई हैं, जो कि देखने में बिल्कुल ही अद्भुत लगता है। हनुमान जी के पास बहुत पावर था, पर उन्होंने अपने आप पर कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके बिना शायद श्रीराम लंका जीत नहीं पाते, पर फिर भी उन्होंने कभी खुद पर घमंड नहीं किया। तो हनुमान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे अंदर भी कभी घमंड ना आए, मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहूं। बस इसी प्रार्थना के साथ इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। बहुत कुछ है हनुमान जी के जीवन से सीखने के लिए। आगे किसी और व्लॉग में बहुत सारी बातें करेंगे हनुमान जी के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम। मेरा फर्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। कृपया अपनी यात्रा के पश्चात टोकन वापस जमा करा दें।